नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश भी होंगे। तो जी, अभी जो है कपड़ों की धुलाई करनी है और मौसम भी जो है ना बारिश का हो रहा है। दो चार दिन से हमारे यहाँ काफ़ी बारिश हो रही है, आंधी भी हो जाती है, शाम के वक्त चलने लग जाती है तो धूल मिट्टी उड़ के आती है काफ़ी। तो इसलिए जो है मेरे को कपड़ों की क्लीनिंग जो है ना छत पे ही करूँगी आज मैं कपड़ों की क्लीनिंग। तो बाथरूम इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही बाथरूम है, और कपड़ों की क्लीनिंग जब बाहर पाइप लगा के करते हैं ना तो अच्छे से जो है हो जाती है। और मशीन भी है मेरे पास, लेकिन मैं मशीन से कपड़ों की क्लीनिंग नहीं करूँगी, हाथ से ही करूँगी। और किसी ने मेरे को जो है ना रिक्वेस्ट की थी कि आप इस तरीके का व्लॉग बनाओ, तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पर जो है ना मैं ये वाला व्लॉग बना रही हूँ। कपड़े जो है मैं मशीन से भी धो लेती हूँ और हाथ से भी धो लेती हूँ। तो देखिए जी, औरत चाहे गाँव की हो चाहे शहर की हो, काम उनके सेम ही होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। और हाथ से धुलाई महिलाएं भी करती हैं शहरों वाली, और गांव की महिलाएं भी जो हैं उनके पास भी मशीन है, लेकिन वो भी जो है ना हाथ से भी धोती हैं कपड़े। क्योंकि जी, जो धुलाई हाथ से हो पाती है ना कपड़ों की, वो जो है मशीन से नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर जो है ना मैं भी कपड़े जो है आज हाथ से ही धोऊंगी। और जी, यहाँ पर मैंने टप ले लिए हैं, और सबसे पहले मैंने कपड़े छाँट लिए थे अलग, बच्चों के अलग छाँट लिए थे, इनके ऑफिस के अलग छाँट लिए थे, और जिनमें से कलर निकलता है ना वो वाले कपड़े मैंने अलग छाँट लिए थे। और तीनों टपों में जो है मैंने अलग अलग कपड़े जो हैं डाल दिए हैं। तो बच्चों के डाल दिए हैं मैंने, और जिनमें जो है कलर नहीं निकलता है ना वो वाले कपड़े डाल दिए हैं, और इनके ऑफिस वाले कपड़े डाल दिए हैं। तो जी, जब मशीन में कपड़े धोते हैं ना तो उनके जो है ना कॉलर जो है गंदे रह जाते हैं, और जब हाथ से क्लीनिंग करते हैं ना तो एक एक जो है ना कॉलर हो गया, कुछ भी हो गया, साफ़ अच्छे से हो जाता है जूना मार के। तो यहीं बैठ के जो है मैं कपड़े धोऊंगी। तो यहाँ मेरे साथ गुड्डू भी है, और उसने जो है पाइप से मेरे साथ यहाँ पर धुलाई करवा दी है। और ऊपर जो है ना पानी का प्रेशर जो है थोड़ा कम ही आता है, इसलिए हाथ से कपड़े जब भी धोती हूँ ना मैं नीचे ही धोती हूँ, क्योंकि नीचे जो है ना पानी का प्रेशर जो है ज़्यादा आता है। तो सबसे पहले मैंने बेड शीट ले लिए हैं, और इनको जो है ना मैंने कपड़ों को आधे घंटे के लिए भिगो के छोड़ दिया था, क्योंकि मैल जो है ना इनका कट जाता है भिगोने से। तो जी, यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर चादर लगा ली है, जो सरफ जो है ज़्यादा वेस्ट ना हो और नीचे की तरफ ज़्यादा ना गिरे, तो चादरों से जो है ना वो रुक जाएगा। और कपड़े जो है ज़्यादा गंदे भी नहीं है, क्योंकि बच्चे भी जो है ना, जब बच्चे छोटे होते हैं जब ज़्यादा कपड़े गंदे करते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं ना तो एक दिन में दो दो तीन तीन जोड़ी कपड़े जो है बच्चे बदल लेते हैं, इसलिए जो है कपड़े ज़्यादा गंदे नहीं है मेरे। और इनके ऑफिस के कपड़े हैं जो कॉलर वगैरह जो है गंदे होते हैं, उनको जो है मैं हाथ से धोऊंगी अभी। तो सबसे पहले जो है ना मैं बच्चों के ही जो है कपड़े धो रही हूँ। और जिस तरीके से मैंने जो है चादरें लगा ली हैं, जो सरफ जो है ज़्यादा वेस्ट ना हो नीचे ना जाए, और सरफ में जो है कपड़े भिगोने से मैल जो है कट जाता है, तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। और हल्की हल्की सी मैंने साबुन की पट्टी मार दी है, उनमें चूना मार दिया है मैंने, और कपड़ों को जो है ना एक साइड जो है मैं रखती जा रही हूँ। तो जी, हाथ से क्लीनिंग करने में जो है ना काफ़ी ज़्यादा कपड़े जो है साफ़ सुथरे हो जाते हैं, अच्छे से जो है ना धुल जाते हैं कपड़े। और जी, यहाँ पर बस क्लीनिंग कर लेते हैं कपड़ों की। सरफ है ना मैं एक बाल्टी में करती जा रही हूँ, और जी इस सरफ से जो है ना छत की भी धुलाई हो जाएगी, और इसको जो है ना बाथरूम में भी डाल दूँगी तो बाथरूम की जो है ना धुलाई हो जाएगी। क्योंकि हम महिलाएं ऐसी होती हैं कि कुछ चीज़ वेस्ट करने से पहले कई बार जो है सोचती हैं। तो एक बाल्टी में जो है ना मैं सरफ जो है करती जा रही हूँ। तो जी, यहाँ पर जो है ना मैंने इनके भी ऑफिस के कपड़े ले लिए हैं, और यहाँ पर जो है ना उनकी शर्ट पे जो है ना मैंने कॉलर जो है अच्छे से रगड़ दिए थे सरफ में, और अभी जो है ना साबुन से भी जो धोने के बाद जो है ना पट्टी मार दूंगी मैं। और कुछ कपड़े ऐसे हैं जिन पे जो है ना दाग धब्बे जल्दी लग जाते हैं, और जी उनको जो है ना ज़्यादा मेहनत लगती है हाथ से धोने में, इसलिए मशीन से अच्छी धुलाई जो होती है ना हाथ से हो पाती है। और ज़्यादातर महिलाएँ जो है ना इसलिए हाथ से ही कपड़े धोने जो है ना पसंद करती हैं। तो जी, थोड़े बहुत जो कपड़े होते हैं ना वो तो मैं रोज़ सरफ में भिगो के हाथ से ही धो देती हूँ, और जब कभी ज़्यादा बेड शीट वगैरह ज़्यादा हो जाती है ना तो उनको जो है ना मैं सरफ डाल के
मशीन में जब धो देती हूँ, और हाथ से भी धो देती हूँ। और कंबल जो है ना वो मैं हाथ से ही धोती हूँ, मशीन मेरी इतनी वैसी नहीं है, बड़ी नहीं है जो उसमें कंबल धुल जाए। और कंबल जो जब मैं धोती हूँ ना तो उसको थोड़ा सा गर्म पानी में सर्फ़ डाल के भिगो के रख देती हूँ 1 घंटे के लिए, और फिर जो है ना उसको अच्छे से जो है ना क्लीन कर लेती हूँ। और कंबल जो है ना बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, तो इसलिए उनकी मदद चाहिए होती है मुझे कंबल धोने में, क्योंकि कंबल जो है अकेले से ऐसे खंगलता नहीं है, काफ़ी मेहनत लगती है उसमें। तो जब इनकी छुट्टी होती है ना, तो जब हैवी वाले कंबल होते हैं ना, तो जब मैं इनकी मदद लेती हूँ। और जी सारे कपड़ों की जो है क्लीनिंग यहाँ पर हाथ से जो है हो चुकी है, और अब जो है बेडशीट रह गई थी मैं मेरी, और इस पर भी जो है ना मैंने जो है जूने से जो है सर्फ़ लगा के जो है साबुन लगा के जूने से अच्छे से जो है धो दिया। और मेरे पास जो है ना थपकी नहीं है, मैं हाथ से जो है इस तरीके से जो है धो लेती हूँ। और जी सारे कपड़ों को जो है ना मैंने सर्फ़ में साबुन से चूना मार के अच्छे से धो दिया है, और बस अब जो है ना इनको अच्छे से जो है ना खंगाल लेंगे। और जी एक बात और है, मशीन में जब कपड़े धोते हैं ना तो उनमें जो है ना थोड़ा बहुत सर्फ़ रह जाता है, तो हाथ से जब भी क्लीनिंग करते हैं ना तो देखिए इस तरीके से ही जो है ना क्लीनिंग हो पाती है। 2-3 टप में जो है ना पानी भर लिया है, और सर्फ़ निकाल निकाल के जो है ना एक एक उस कुर्सी पे रखती जा रही हूँ, फिर सर्फ़ को जो है ना फेंक दूँगी और फिर दूसरा पानी भर के जो है ना फिर जो है इनको दोबारा से जो है खंगालूँगी। तो इस तरीके से जो है ना हाथ की क्लीनिंग हो सकती है। और जी किसी की ना रिक्वेस्ट ये भी आई थी कि जी आप सूट पहन के ये क्लीनिंग ब्लॉग बनाना, तो जी मैं सूट पहन के ही क्लीनिंग भी करती हूँ और बाकी के घर के काम भी करती हूँ। कभी होता है कि मैं त्यौहार वगैरह होता है या कभी मेरा मन होता है जब मैं साड़ी पहनती हूँ, क्योंकि साड़ी पहन के क्लीनिंग मैं कर सकती हूँ और मैंने पहले कई बार की भी है। लेकिन जो है ना कंफर्टेबल जो है ना ये वाला मौसम ऐसा है, गर्मी वाला मौसम है, तो इसलिए जो है ना सूट ही जो है कंफर्टेबल रहता है। तो जिसने भी ये कमेंट किया है ना, तो जी भाई हो आप चाहे बहन हो, तो अभी मैं आपके चैनल पे गई नहीं थी, बस मैंने आपका वीडियो ही देखा था, क्योंकि जी हम भी पूरा दिन अपने घर के काम करते हैं, उसके बाद अपने वीडियो व्लॉग जो है उसको भी बनाते हैं, फिर एडिट करते हैं, फिर अपने बाकी के घर के काम देखते हैं, बच्चे देखते हैं, सारे काम करते हैं, उसके साथ साथ हम इतनी मेहनत करते हैं, व्लॉग भी बनाते हैं। तो आपका एक लाइक और आपका सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता ही है, तो वीडियो अच्छा लगे ना तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और जी यहाँ पर जो है वीडियो को मेरी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो बस यहाँ पर जो है क्लीनिंग जो है अच्छे से हो रही है, और गर्मियों से ना हमारे यहाँ की रस्सियाँ भी जो है टूट गई थी, तो छुट्टी वाले दिन जो है ना मैंने इनसे जो है वो भी बंधवा ली थी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ी है इस बार ही कि रस्सियाँ गल गल के जो है टूट गई थी। अब 2-4 नई रस्सियाँ जो है और बंधवा ली है मैंने। और बस जी कपड़ों की यहाँ पर जो है ना बस क्लीनिंग हो चुकी है, और बस थोड़े बहुत ही जो है मेरे कपड़े रह गए हैं, और बस अब जो है ना जुराबे जो है वो मैंने अलग छाट के रख लिए हैं। और सबसे पहले जब मैं कपड़े धोती हूँ ना, उससे पहले मैं कपड़ों को सीधा कर लेती हूँ, और जी उनको जो है अलग अलग छाट लेती हूँ कि कौन से कलर वाले हैं और कौन से बिना कलर वाले हैं, कौन से हल्के कपड़े हैं, कौन से भारी कपड़े हैं, तो इसी हिसाब से जो है मैं उनको भिगोती हूँ। और लास्ट में जो है ना मैं जो है जुराब धोती हूँ। जुराब मैं कभी भी कपड़ों के साथ नहीं धोती हूँ, और जुराबों को हमेशा जो है अलग ही धोना चाहिए, क्योंकि इनमें ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं और कीटाणु होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें जो है ना, जब मैं 6th क्लास में गई थी ना तो होम साइंस में ये पढ़ा था कि जो जुराबे होते हैं ना कभी भी कपड़ों के साथ नहीं धोने चाहिए, उनको अलग ही धोना चाहिए, कि जो कपड़ों जुराबों के कीटाणु होते हैं ना वो कपड़ों में भी जो है लग जाते हैं। तो इस वजह से जब से जो है ना मैं जुराबे जो है कभी भी कपड़ों के साथ मैंने नहीं धोई है, अलग से ही जो है मैं धोती हूँ जुराबों को, और धोना भी चाहिए जुराबों को अलग। और यहाँ पर जो है साथ ही साथ जो है मैं थंबनेल भी खिंचवा रही थी, तो यहाँ पर गुड्डू जो है मेरी मदद कर रहा था। बस क्लीनिंग जो है यहाँ पर हो गई थी, सर्फ़ वगैरह जो है यहाँ से साफ़ कर दिया था मैंने, बाकी सर्फ़ जो है मैंने बाथरूम में रख दिया है, बाथरूम में धोऊँगी। और जी यहाँ पर जो है कपड़ों की क्लीनिंग हो चुकी है, और हाथ से अच्छे से जो है निचोड़ दिए। मौसम ऐसा है कि कपड़े जो है ना सूख जा रहे हैं सही से, और गर्मी कभी बारिश हो जाती है कभी गर्मी हो जाती है, तो कुछ इस तरीके का जो है ना मौसम चल रहा है। तो कई बार सुबह में बारिश हो जाती है तो दोपहर में धूप निकल जाती है, कई बार रात में बारिश होती है। तो जी मिलती हूँ एक और अच्छे से ब्लॉग में, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए। बाय बाय जी।